हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड में जो है वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड जो है एक होली ओन सब्सिडरी है आरबीआई की। थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है, द कंपनी इज कमिटेड टू डिजाइन प्रिंट एंड सप्लाई बैंक नोट्स कन्फर्मिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट्स बाय कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू डेडिकेटेड पीपल ऑन ए ट्रांसपेरेंट सिक्योर एंड कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट एंड मीट द एनवायरमेंटल नीड्स ऑफ द एरिया एंड सोसाइटी बाय कंप्लाइंग टू द रेलिवेंट लीगल एंड अदर रेगुलेशंस यूजिंग इको फ्रेंडली मटीरियल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट मटीरियल। बेसिकली ये जो है करेंसी जो है प्रिंट करने का काम करती है, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेसेस को मैनेज करती है। तो नीचे जो है ये देखिए, इन्होंने जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पर, इन्होंने बता रखा है कि इनको जो है कहाँ कहाँ के लिए पोस्ट जो है फिल करनी है। ये देखिए इन्होंने बोला है, BNMPL इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर। चाहिए कि इनको विद एनवायरमेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, असिस्टेंट मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकाली है इन्होंने विद सिविल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंट इंजीनियरिंग एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स बैकग्राउंड एंड सिक्योरिटी ऑफिसर इन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी फॉर इट्स प्रेसेस एट मैसूरू इन कर्नाटका, साल्बोनी इन वेस्ट बंगाल एंड इट्स कॉरपोरेट ऑफिस इन बेंगलुरु और फॉर एनी अदर ऑफिस दैट मे बी ओपन इन फ्यूचर। देखिए बेसिकली इन्होंने बता दिया है कि इनको जो है डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और जो है फाइनेंस अकाउंट्स में और सिक्योरिटी ऑफिसर की जो है रिक्वायरमेंट है। बेसिकली मैसूरू कर्नाटका में और साल्बोनी वेस्ट बंगाल में पोस्ट के लिए जो है इनको रिक्वायरमेंट है, और फ्यूचर में अगर कहीं भी ऑफिस खोलते तो उसके लिए भी जो ये है रिक्रूटमेंट करेंगे। आगे जो है इसकी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। ये पोस्ट कोड दे रखा है। पोस्ट कोड जो है आपको जो फॉर्म फिल करना है, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके जो है इनके एड्रेस पे भेजना होगा और उसमें जो है आपको पोस्ट कोड जरूर मेंशन करना है। इसलिए अपनी जो भी आपने पोस्ट अप्लाई करनी है उसकी पोस्ट कोड का जरूर ध्यान रखना, वो आपको जो है उस पर लिखना होगा, एनवेलप पे लिखना होगा। डिप्टी मैनेजर एनवायरमेंट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर की एक पोस्ट है, वो भी अनरिजर्व है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल इंजीनियर की एक पोस्ट है और इसमें जो है अनरिजर्व की एक पोस्ट है, और एससी के लिए एक है और ओबीसी के लिए एक है, तो दो जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब टोटल जो है पांच है। असिस्टेंट मैनेजर की जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स बैकग्राउंड से उसकी जो है छः पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी की जो है चार पोस्ट है। तो ये जो है इन्होंने डिटेल दे रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्राइटेरिया एज 31 अगस्त 2022। तो आप ये क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। जैसे आपका एक्सपीरियंस है आप उस पोस्ट को फिल कर सकते हो। मैं इसमें जो है आपको पोस्ट की एज बताऊंगी। तो बेसिकली जो है डिप्टी मैनेजर की एज जो है 37 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 37 ईयर से। दूसरी पोस्ट जो है असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें जो है 31 ईयर से एज जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मिनिमम कितनी भी हो सकती है 31 साल से जो है ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टूड है, 18 से प्लस ही होनी चाहिए, ठीक है। और आगे हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर की, इसमें भी 31 साल से ज़्यादा नहीं एज होनी चाहिए, 31 ईयर्स। असिस्टेंट मैनेजर की नॉट मोर देन 31 ईयर्स। एंड बाकी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज जो है आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। और इसमें जो है ये वाली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी की, इसमें 45 ईयर्स टू 52 ईयर्स एज है, मिनिमम एज भी इन्होंने मेंशन करी है इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। SC ST PWD वीमेन एक्स सर्विस मैन एंड स्टाफ कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, इन सभी को छोड़ के बाकियों के लिए, बाकी कैटेगरीज के लिए ₹300 फीस है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ओनली इंटरव्यू होगा, ये सबसे अच्छी बात है। इसमें जो है कोई भी एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू में से ही कैंडिडेट्स को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हाउ टू अप्लाई इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि आपको क्या क्या करना है। दोज हु सेटिस्फाई द अफोरसेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सेंड देयर एप्लीकेशन बाई पोस्ट। बाई पोस्ट आपको जो है सेंड करनी होगी। तो इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि आपको क्या क्या सेंड करना है। इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट पब्लिश्ड हियर विद ऑन वन साइड ओनली ऑन A4 साइज पेपर अलॉन्ग विद द रिक्वेस्टेड फीस। फीस के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ एज, एज का सर्टिफिकेट देना, आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट देना जिसमें बर्थ प्रूफ भी हो, क्वालिफिकेशन मार्कशीट देनी है आपको, ऑल ईयर सेमेस्टर डिग्री सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द एम्प्लॉयर ऑन इट्स लेटर हेड क्लियरली इंडिकेटेड द लेंथ एंड लाइन ऑफ एक्सपीरियंस एज पर
एलिजिबिलिटी कंडीशंस कास्ट ट्राइब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ईडब्ल्यूएस डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी और ईडब्ल्यूएस का भी आपको सर्टिफिकेट जो भी मतलब आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनते हैं वो सर्टिफिकेट सारे आपको इसमें सबमिट करने होंगे, ठीक है। और ऊपर जो है आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ दैट एंड पोस्ट कोड दैट, मतलब ये आपको नाम जो है मेंशन करना होगा, एडवर्टाइज नंबर ये सारा कुछ आपको लिखना होगा और इस एड्रेस पे मेंशन करना है, सॉरी इस एड्रेस पे आपको जो है पोस्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद जो है तो बस यही मेन पॉइंट्स थे इसके जो है डिस्कस करने वाले। तो ये जो है अगर आपका इसमें से इस नोटिफिकेशन में से कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरे द्वारा दिया गया ये अपडेट यूज़फुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें।